अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इंफोटेक चैनल। अभी जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, जो फ्लाइट्स है वो इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल से 5 अगस्त से शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जो मैंने अभी लास्ट वीडियो एक बनाई थी, उस पर जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट किया है, मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने मैसेज भी किया है कि जी जब उन्होंने अपनी टिकट्स बुक करने की कोशिश की है तो फ्लाइट्स की तरफ से, जो एयरलाइन है उसकी तरफ से, उनको ये बताया गया है जी कि अभी वो लोग टिकट बुक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वही लोग टिकट बुक कर सकते हैं जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन यूएई से ली हुई है। अगर आपने अपनी वैक्सीनेशन पाकिस्तान से ली है, इंडिया से ली है या नेपाल से ली है तो एट द मोमेंट आप लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में ही काफ़ी सारे व्यूअर्स ये पूछ रहे थे कि क्या हम लोग अभी इसके ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई भी अभी तक जो ऑफिशियल है वो कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सारी डिटेल्स दूंगा जो कि एट द मोमेंट अभी जो ऑफिशियल भी हो चुका है उसमें भी यही बताया जा रहा है कि जितने भी लोग हैं, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से या नेपाल से, ऑल द पैसेंजर्स हु हैज़ द वैलिड रेजिडेंस वीज़ा, सबसे पहले तो आप लोगों के पास वैलिड रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, या फिर 180 डेज से या 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तो फिर आपने अपनी कंपनी को कॉन्टैक्ट करना है। इसके अलावा जो दूसरा उन्होंने ये पॉइंट मैंशन किया है कि ऑल दोज हु हैव बिन वैक्सीनेटेड इन यूएई, मीन अगर आप लोगों ने अपनी दोनों डोजेज यूएई में ली हैं प्लस आप लोगों के पास जो सर्टिफिकेट है वो भी अप्रूव्ड है और इश्यूड है फ्रॉम यूई अथॉरिटीज़ से, तो ही आप लोग ट्रैवल कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने बैक होम में अपनी वैक्सीनेशन ली है, वो कौन सी भी वैक्सीनेशन ली है, तो एट द मोमेंट आप लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ये एक ऑफिशियल चीज़ है, मैं आपको सारी चीज़ें स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ और जो कुछ बता रहा हूँ इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा व्यूअर्स, कुछ ऐसी भी कैटेगरीज हैं जहाँ पर अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं ली हुई है तब भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, इफ यू आर अ डॉक्टर, आप लोग नर्सेज हैं या फिर आप लोग किसी भी हेल्थ सेक्टर में एज अ टेक्नीशियन काम करते हैं, तो आप लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं भी ली हुई है तब भी आपको अलाउ किया जाएगा ट्रैवल करने के लिए। या फिर आप एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, तो भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी वैक्सीनेशन। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो भी अगर आप इधर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो भी आप लोग विदाउट वैक्सीनेशन यहां पर ट्रैवल कर पाएंगे। इसके अलावा जो लास्ट कैटेगरी मेंशन की गई है में ये बताया जाए कि वो लोग जो कि एक्सपो 2020 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर उनको एक्सपो 2020 की तरफ से स्पॉन्सरशिप आया हुआ है, तो वो लोग भी अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तब भी वो लोग ट्रैवल कर पाएंगे। सो जो मेरा ख्याल है उसमें यही है कि ये कुछ फेज़ के अंदर फ्लाइट्स ओपन की जा रही हैं। पहले फेज़ के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाएगा जिन लोगों ने यूई से वैक्सीनेशन ली हुई है और उसका भी उनको 14 दिन हो गए। मीन अगर मैंने वैक्सीनेशन ली हुई और मैंने आज अपनी सेकेंड डोज ली और कल मैं ट्रैवल करता हूँ वापस अपने बैक होम के अंदर, तो मुझे 14 दिन इंतजार करना पड़ेगा वापस आने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों ने इंडिया से ली है, पाकिस्तान से ली है या नेपाल से वैक्सीनेशन ली है, उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये रिसेंटली ही फ्लाइट्स ओपन हुई हैं। इसमें डे बाय डे आपको कुछ ना कुछ नई अपडेट मिलती जाएगी। मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि अभी टिकट बुक नहीं कीजिएगा अगर आपने वैक्सीनेशन ले रखी है इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल से, क्योंकि आप लोग स्टक होकर रह जाएंगे, ना आगे रहेंगे ना पीछे के रहेंगे, आप लोगों को वेट ही करना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि अभी हो सकता है 1-2 दिनों के बाद कुछ अपडेट आ जाए जहां पे ये बताया जाए कि ये जो लोग हैं जिन्होंने दूसरी वैक्सीनेशन ली है वो कब ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन एट द मोमेंट अभी तक तो इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई है। जैसी कोई डेवलपमेंट होगी तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।